तो जैसे दोस्तों होता क्या है कि कभी कभार हमारे मोबाइल में कुछ फाइलें ऐसी होती हैं या फिर हम कुछ फाइलें ऐसी डाउनलोड कर लेते हैं जो डाउनलोड तो हो जाती हैं लेकिन अगर अपने मोबाइल में हम उसको ओपन करने लगते हैं तो वह ओपन नहीं होती हैं। अगर आप ऐसी फाइलों को अनजिप करना चाहते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर रोजाना ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आप किसी भी जगह से उस फाइल को डाउनलोड किए हैं जो फाइल आपकी ओपन नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। जैसे अगर आपने SD कार्ड में अपनी फाइल को डाउनलोड किया है तो आप SD कार्ड को ओपन करेंगे, या फिर अगर आपके फ़ोन स्टोरेज में वह फाइल डाउनलोड है तो आप अपना फ़ोन स्टोरेज ओपन करेंगे। अब इसके बाद आपके सामने सारे फोल्डर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जितने भी फाइल यहाँ पे डाउनलोड की हुई हैं सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक यूनिवर्सल सेरिफ नाम का फाइल है जो यहाँ पे जिप हुआ है। अगर इसको हम ओपन भी करना चाहेंगे तो यह हमारे मोबाइल से ओपन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे एक एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जो है आपका फ़ोन स्टोरेज और उसके बाद SD कार्ड दोनों यहाँ पे दिखाई देगा, आप किस जगह इसको सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे SD कार्ड में इसको सेव करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। इस फाइल का नाम यूनिवर्सल सेरिफ है। अगर आप इसी तरह इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह सेव हो जाएगा। अगर आप इसका नाम चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ इसको कट करके इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो है यह हमारा फाइल हमारे SD कार्ड में सेव हो गया है। तो अब इसके बाद मैं इसको यूज करके बताता हूँ, इसको ओपन करके बताता हूँ कि आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बैक आ जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यह जो मेरा फाइल है जो जिप था यह एक फॉन्ट है, इसको मैं किसी एप्लीकेशन में सेव करने के लिए डाउनलोड किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। अब इसके बाद मैं यहां पे फॉन्ट वाले ऑप्शन में चला जाता हूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिस फॉन्ट को डाउनलोड किया हुआ हूँ उसको यहाँ पे कैसे सेव करना है तो यहाँ पे माय फॉन्ट्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फॉन्ट अभी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, यहाँ गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ यूनिवर्सल सेरिफ वह फाइल हमको दिखाई दे रही है, इस पर फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से क्लिक करेंगे। अब जो है आप देख रहे हैं कि यह हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा फॉन्ट उस एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ऐड पे क्लिक किया वह हमारा फॉन्ट इस एप्लीकेशन में सेव हो गया है। अगर इसको हम यूज करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि अभी H का आकार कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि H का आकार दूसरे कंडीशन में बदल गया है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा जिप फाइल है जिसको आप अनजिप करना चाहते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।